नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों जो पॉलिटिकल साइंस था, तो पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों 8 चैप्टर थे, वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए हैं और उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस, तो आप वहाँ जाके वो 8 चैप्टर के जो वीडियो हैं तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे दोस्तों आपको करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों इतिहास लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड का तो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड पेपर की बात रही तो सेकंड पेपर भी जल्दी आपको शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्या आरएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में शेयर करें। तो देखो, आज का ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक है वो है राजस्थान का भूगोल एक परिचय। ठीक है, राजस्थान का भूगोल एक परिचय आज पहला अध्याय है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला प्रश्न है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, तो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में है राजस्थान। ठीक है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ये राजस्थान। ठीक है, तो यदि हम राजस्थान के अक्षांश एवं देशांतर की विस्तार की गणना करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी अक्षांश की बात करें तो 76.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है ये राजस्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है, तो दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, सबको पता होगा उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, और इसका कुल क्षेत्रफल है वो 342,239 वर्ग किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्रफल, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है प्रतिशत है, तो 10.41% है कुल भारत के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट तीन नंबर प्रश्न है, राजस्थान की आकृति है, तो दोस्तों राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है। ठीक है, चार ऑप्शन है, त्रिभुजाकार, पंचभुज, वृत्ताकार, विषमकोणीय चतुर्भुज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विषमकोणीय चतुर्भुज। ठीक है, राजस्थान की आकृति कैसी है, विषमकोणीय चतुर्भुज, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल है। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो सबको पता होगा दोस्तों जो जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, सॉरी राजस्थान के जो सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाँच नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल है। राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर का क्षेत्रफल है, तो दोस्तों धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 3034 यानी कि 3034 वर्ग किलोमीटर, ये है दोस्तों धौलपुर का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, राजस्थान में देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 0.88% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, तो एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। सिक्स नंबर प्रश्न है, राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4,117 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखो हरियाणा का वह नवगठित जिला
जिसकी सीमाएं राजस्थान को स्पर्श करती है। हरियाणा का वह नवगठित जिला जिसकी सीमाएं राजस्थान को स्पर्श करती है तो वह कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा है ये अपने को इसमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवात। ठीक है, मेवात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखो मेवात जिले का गठन है वो 4 अप्रैल 2005 को किया गया था। हरियाणा के कुल 7 जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है, वो है देखो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवाड़ी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न, इसमें देखो मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीन ओर राजस्थान से घिरा हुआ है तो वह जिला कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नीमच, रतलाम, श्योपुर, मंदसौर। अगर किसी ने फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का अगर टेस्ट दिया है तो दोस्तों उसमें यह प्रश्न था, मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नीमच। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो मध्य प्रदेश है वो 10 जिलों की सीमा, मध्य प्रदेश की 10 जिलों की सीमा राजस्थान से टच होती है, तो वो जिले कौन कौन से हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अगरमालवा, ठीक है, और एक मुरैना। ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के साथ टच होते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेंगी वह है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेंगी वह जिला कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है नागौर। ठीक है, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो दोस्तों ये लापोलाई गांव है, ठीक है, नागौर में। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो निम्न में से किस देश के बराबर है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इंग्लैंड, जापान, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जापान के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो दोस्तों अपने को पता चलेगा कि राजस्थान श्रीलंका से तो 5 गुना बड़ा है। ठीक है, 5 गुना बड़ा है, और चेकोस्लाविया से 3 गुना, इज़राइल से दोस्तों 17 गुना, और इंग्लैंड से 2 गुने से भी बड़ा है। ठीक है, 2 गुने से भी बड़ा है। ठीक है, तो और जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। ठीक है, तो ये लगभग बराबर आ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन एंड फाउंटेन्स कहलाता है। राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स कहलाता है। चार ऑप्शन है, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, आबू पर्वत। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो इसका सही उत्तर उदयपुर हो जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान का उदयपुर शहर जिसको फाउंटेन माउंटेन का शहर भी कहा जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है ये दोस्तों अपने को इसमें बताना है, तो किन जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बांसवाड़ा एवं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो दोस्तों सबको पता होगा कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, माही नदी है वो 2 बार काटती है इस कर्क रेखा को। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न, इसमें देखो राजस्थान किस देश से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान किस देश से 17 गुना बड़ा है।
तो दोस्तों किस देश से 17 गुना बड़ा है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फ्रांस, चीन, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किससे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल से दोस्तों, 17 गुना बड़ा है राजस्थान। 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम है, ठीक है, तो राज्यों का अवरोही क्रम बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, जल्दी से देख लो, पहला और दूसरा ही चेक कर लो दोस्तों, आपको उत्तर मिल जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ठीक है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से शुरुआत के जो चार बड़े ज़िले हैं, ठीक है, तो चार नंबर, सॉरी 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 342,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगर पॉइंट में भी पूछ ले तो पॉइंट आ जाएगा दोस्तों 74, 342,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है, तो सबको पता है दोस्तों 5,920 किलोमीटर है वो राजस्थान की स्थलीय सीमा है कुल, ठीक है, जिसमें से 1,070 है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और शेष जो बचती है 4,850 यानी कि 4,850 है वो दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, एक नंबर का ऑप्शन 5,920 किलोमीटर। 17 नंबर प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो इसकी जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया था तो 4,850 अंतर्राज्यीय सीमा की है, पाँच राज्यों के साथ में ये सीमा बनाती है, ठीक है, तो चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा है, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो दोस्तों पंजाब के साथ में लगती है और कितनी लगती है, तो 89 किलोमीटर, ठीक है, 89 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर, ये तो पता होगा आपको। 18 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 1,070 किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा की, यानी कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है, 1,070 किलोमीटर, जिसको अपन क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, और ये श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाड़मेर के दोस्तों बांगल गाँव यानी कि बाखासर, बागल गांव है, अगर बाखासर में भी अगर गांव पूछ ले तो बागल गांव, ठीक है, बाखासर में पड़ता है, यहां तक है दोस्तों इसकी सीमा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है, देखो श्रीलंका, जर्मनी, अमेरिका, नेपाल, तो किस देश से 5 गुना बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है राजस्थान, ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, इसमें देखो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ठीक है, डुरंड रेखा है ये दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है डुरंड रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, रेड क्लिफ है वो दोस्तों ये भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है, लेकिन ये राजस्थान में भी आती है दोस्तों, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, तो सबको पता होगा गंगानगर,
बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, ये चार जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर के साथ में कितनी मिलती है, 210 किलोमीटर, ठीक है। बीकानेर के साथ में सबसे कम 168, ठीक है। जैसलमेर के साथ में सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर, ठीक है। और बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें एक नंबर का ऑप्शन। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है, तो वो है गंगानगर, ठीक है। कौन सा है, गंगानगर सर्वाधिक निकट, ठीक है। और सर्वाधिक दूर तो वो है बीकानेर। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला है, तो अभी मैंने आपको बताया था 464, कौन बनाता है, जैसलमेर, 464 किलोमीटर जैसलमेर के साथ में लगती है। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय है, पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय स्थित है तो कौन सा है, तो मैंने भी आपको बताया था जिला मुख्यालय की बात हो रही है यहाँ पे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है श्रीगंगानगर, ठीक है। क्या हो जाएगा, श्रीगंगानगर, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव या मुनाबाओ, मुनाबाव भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाओ किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें क्या, तो ये स्थित है दोस्तों बाड़मेर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन। 25 नंबर प्रश्न है, वह जिला जो भारत पाक सीमा से मात्र 15 किमी दूर है, वह जिला जो भारत पाक सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, तो वह जिला कौन सा है, वह अपने को इसमें बताना है। हनुमानगढ़, जालौर, सिरोही, जोधपुर, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जालौर। क्या है, जालौर, ठीक है। दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, चार ऑप्शन है, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है कौन सा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से बड़ा है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला सबसे बड़ा जिला तो जैसलमेर है, लेकिन सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना बड़ा है, जैसलमेर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है लगभग 12.66 गुना है, ठीक है, बड़ा जैसलमेर धौलपुर से, ठीक है। देखो 38,401 किलोमीटर जैसलमेर, और इसका कितना है, तो 3,034, तो 34 को छोड़ दो, ठीक है, और इधर 401 को छोड़ दो, तो 3 का भाग दे लो, 3 × 30, ठीक है, और 10 बार गया, फिर आगे देखो 8 बज गए, 3 × 6, ठीक है, तो 12.66 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है, गुजरात के साथ राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है, गुजरात के साथ राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों गुजरात के साथ कितने राज्य के जिले सीमा, राज्य के जिलों की सीमा लगती है, तो दोस्तों जो गुजरात के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है, तो 6 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे चलते हैं 29 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के कितने जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों कितने जिले बनाते हैं,
तो तीन जिले बनाते हैं, सॉरी नौ जिले बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में सीमा। ठीक है, इसमें देखो नौ जिले में पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं, तो नौ जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान की ओर से पंजाब प्रांत के तीन जिले, ठीक है, एक तो है बहावल नगर और दूसरा है बहावलपुर और तीसरा है रहीम यार खान। ये तीन जिले तो पंजाब प्रांत से मिलते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के। और सिंध प्रांत के दोस्तों छः जिले मिलते हैं, कौन कौन से हैं, तो देखो गोटकी, सुखपुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। ये दोस्तों नौ जिले हैं, ये पाकिस्तान के जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है, मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है, तो ऑप्शन है 10, 12, 8, 9। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 10 जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, किस जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, बूंदी डूंगरपुर भीलवाड़ा टोंक, इनमें से कौन सी जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भीलवाड़ा। ठीक है, तीन नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो मध्य प्रदेश के साथ जो राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 10 जिले हैं ये मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी है, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी है, तो वो नदी कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, माही, बनास, पार्वती, चंबल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंबल। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से दोस्तों देख लो और मन में सोच लो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बाड़मेर, जालौर। ठीक है, इसमें दोस्तों विस्तृत है कच्छ का रण के कुछ क्षेत्र, ठीक है, कच्छ के रण के कुछ क्षेत्र हैं जो बाड़मेर और जैसलमेर में भी विस्तृत हैं, सॉरी बाड़मेर और जालौर में विस्तृत है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो पंजाब के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं, तो दोस्तों दो ही जिले ऐसे हैं पंजाब के जो राजस्थान से लगते हैं, तो वो कौन कौन से हैं आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं, दो। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पंजाब से लगते हैं, तो राजस्थान के कितने जिले पंजाब से लगते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कितने जिले लगते हैं, तो सेम टू सेम कितने, दो जिले। ठीक है, दो जिले लगते हैं, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पंजाब के कौन से दो जिले हैं वो राजस्थान से टच होते हैं, एक तो है फाजिल्का, ठीक है, और एक कौन सा है फिरोजपुर, सॉरी एक तो है फाजिल्का और दूसरा है श्री मुक्तसर साहिब। ठीक है, ये दो जिले हैं जो पंजाब के हैं जो टच होते हैं राजस्थान से। 36 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से लगते हैं, राजस्थान के कितने जिले हरियाणा से लगते हैं, तो दोस्तों सात जिले हैं
वो हरियाणा से लगते हैं, ठीक है। तो चार नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो हरियाणा से लगने वाले जो ज़िले कौन कौन से हैं राजस्थान के, तो देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये सात ज़िले हैं ये हरियाणा से टच होते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, हरियाणा के कितने ज़िले राजस्थान से लगते हैं, हरियाणा के कितने ज़िले राजस्थान से लगते हैं। तो दोस्तों कितने ज़िले लगते हैं, तो ये लगते हैं सात ज़िले, ठीक है, सात ज़िले हैं हरियाणा के, वो राजस्थान से टच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर है ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है, दो नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राज्य के दो ज़िले कौन से हैं जो दो भागों में बटे हुए हैं, राज्य के दो ज़िले ऐसे कौन से हैं जो दो भागों में बटे हुए हैं। देखो एक तो है, ऑप्शन ही ऐसे हैं, ठीक है, एक तो है चित्तौड़गढ़, ठीक है, एक तो मैं आपको बता देता हूँ चित्तौड़गढ़, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है दोस्तों इसमें अजमेर, ठीक है, अजमेर और चित्तौड़गढ़ है ये दो भागों में बटे हुए हैं, आप मैप में देखना आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तोरावाटी क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है यह आपको इसमें बताना है, ठीक है। चार ऑप्शन है सिरोही, सीकर, अजमेर, कोटा, क्योंकि दोस्तों मैं भी तोरावाटी का ही हूँ और तंवर ही हूँ, ठीक है। तो तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीकर जिले में, ठीक है, सीकर जिले के अंदर स्थित है ये तोरावाटी, और सीकर जिले में भी दोस्तों कौन सा वाला क्षेत्र है, नीम का थाना वाला क्षेत्र, ठीक है, ये तो नीम का थाना पाटन, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है ये तोरावाटी के अंदर आता है, मेरा जो गांव है वो भी दोस्तों नीम का थाना के पास में ही है, ठीक है, महावा सीकर जिले में ये तोरावाटी क्षेत्र है, आप जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, कभी जाना, अच्छी अच्छी जगह है देखने लायक, गणेश्वर भी है उधर। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट दो जिला मुख्यालय कौन से हैं, राजस्थान के सर्वाधिक निकट दो जिला मुख्यालय कौन से हैं, तो दो जिला मुख्यालय कौन से हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा बूंदी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कोटा बूंदी, ठीक है, कोटा बूंदी, चार नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न है, राज्य का सबसे पुराना नगर परिषद कौन सा है, राज्य का सबसे पुराना नगर परिषद कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भीलवाड़ा, पाली, सीकर, अजमेर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर, चार नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान में जिलों की कुल संख्या है, तो 33 है सबको बताए, बोलने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में कौन से ज़िले सम्मिलित हैं, शेखावाटी क्षेत्र में कौन से ज़िले सम्मिलित हैं, तो दोस्तों सबको पता होगा, ठीक है, कौन से ज़िले सम्मिलित हैं, देखो सीकर, झुंझुनू और चूरू, ठीक है, ये शेखावाटी क्षेत्र में सम्मिलित हैं ये ज़िले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न, इसमें देखो राज्य के कितने ज़िलों की सीमा सर्वाधिक ज़िलों से लगती है, राज्य के किस जिले की सीमा है वो सर्वाधिक जिलों से लगती है, वो जिला कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, पाली जिला, ठीक है, ये सर्वाधिक 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, तो इसकी जो ट्रिक भी है, ठीक है, तो आपको मैं वैसे बता देता हूँ वो 8 जिले कौन कौन से है, तो अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, ठीक है, ये है,
ये 8 जिले जिनके साथ में पाली सीमा बनाता है। 46 नंबर प्रश्न है, गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर स्थित है? गंगा यमुना के मैदान राज्य के किस ओर स्थित है? तो किस ओर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों, सबको पता होगा, पूर्व की ओर स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान का जिला है इधर से। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये ही है दोस्तों, जो यमुना नदी इधर से बहती है और गंगा का भी ये इसकी सहायक नदी है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि गंगा यमुना का मैदान इस ओर स्थित है पूर्व के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न है, 56 की पहाड़ियाँ राज्य के किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियाँ अलग है। ठीक है, तो 56 का जो मैदान है ये दोस्तों कहाँ पर है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में। ठीक है, और जो 56 की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है? तो ये पहाड़ियाँ हैं दोस्तों बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर में है। ठीक है, आबू पर्वत में शिवाना पर्वतीय क्षेत्र बालोतरा के पास मुख्यतः गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसने 56 की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ये पहाड़ियाँ हैं, ये बहुत ही सुंदर है। ये मेवा नगर के जैन तीर्थ पार्श्वनाथ, ठीक है, के लिए अधिक प्रसिद्ध है ये। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के वे राजनयिक जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बने थे, राजस्थान के वे राजनयिक कौन थे जो स्पेन में भारत के प्रथम राजदूत बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई मानसिंह। ठीक है, ए इसमें 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बना था? किस नए राज्य के गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राज्य में कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है? तो दोस्तों सर्वाधिक दूर स्थित है वो कौन सा है? तो इसमें देखो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने जो राजस्थान के भूगोल में एक परिचय। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। कल दोस्तों इसका दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, राजस्थान का परिचय, ठीक है, इसके अंदर दूसरा पार्ट आएगा जिसके अंदर 50 क्वेश्चन ही इंक्लूड करे जाएंगे। दोस्तों सारे के सारे जो सिलेबस है वो आराध्य आरएस एकेडमी के चैनल पर आपको करवा दिया जाएगा। अगर फर्स्ट पेपर के टेस्ट नहीं दे रहे हैं आप तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ फोल्डर बना हुआ है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके सारे के सारे जो 108 मॉडल 109 मॉडल पेपर हो गए हैं तो आप वहाँ जाके सारे के सारे देख सकते हैं। प्लस पॉलिटिकल साइंस जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसका भी वहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, और आप देख लेना, वहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर बने हुए हैं, तो आप वहाँ जाके आराम से देख सकते हैं। और आराध्य आरएस एकेडमी के चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में इसको शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।